हाय दोस्तों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग वर्डपैड स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज और वर्डपैड पे क्लिक करेंगे आपका वर्डपैड ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर टाइटल बार होता है जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट वर्डपैड, स्क्रॉल टू टाइटल बार। मिनिमाइज टेक्स्ट बार पे आ जाता है, दोबारा क्लिक करेंगे ऊपर आ जाएगा आपका ये। रिस्टोर छोटा हो जाएगा, फुल मैक्सिमाइज बड़ा हो जाएगा, एंड क्लोज बंद हो जाएगा। आपको कीबोर्ड से विंडो प्लस आर दबाना है, आपका रन स्टार्ट हो जाएगा। रन पे आपको लिखना है बिना स्पेस के वर्डपैड और ओके करना है और आपका वर्डपैड ओपन हो जाएगा। बेसिकली वर्डपैड में किसी का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह लिख के सेव रख सकते हैं। साथ ही साथ कम फॉर्मेटिंग का रिज्यूम बन सकता है इसमें, जिसमें ज्यादा ग्राफिक्स वगैरह नहीं यूज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्डपैड। हमने यहाँ से फुल मैक्सिमाइज कर लिया और यहाँ पे हमने कुछ टाइप करा। दिस इज ए कंप्यूटर, वेरी यूजफुल। तो सबसे पहले होम से स्टार्ट करते हैं। होम और व्यू को मिला के बनता है आपका मेन्यू बार, और ये आपका रिबॉन्स होता है, ये स्केल की तरह आ रहा है, इसे रूलर कहते हैं। ये आपका वर्क एरिया है और जो ब्लिंकिंग कर रहा है इस कॉल टू कर्सर। तो होम से स्टार्ट किया हमने, सबसे पहले हमने इसे सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे और कट, कट मीन्स डिलीट हो जाता है आपका। वापस लाना है तो यहाँ पे अंडो का सिंबल दिख रहा है, अंडो पे क्लिक करना है, ये वापस आ जाएगा। कॉपी एंड पेस्ट, यदि किसी को फोटो कॉपी करना है तो सबसे पहले हमें इसे सेलेक्ट करना होगा, देन कॉपी पे क्लिक करना है और पेस्ट पे। जितनी बार आप पेस्ट पे क्लिक करते जाओगे उतनी बार ये कॉपी पेस्ट होता चला जाएगा, मतलब एक तरह से फोटो कॉपी होता चला जाएगा टेक्स्ट का। नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और ये है राइटिंग स्टाइल। लिखने की बहुत सारी स्टाइल होती है, एरियल ब्लैक, मोनोटाइप गोजीवा, टाइम्स न्यू रोमन, व्हाट यू वांट, क्या चाहते हैं आप, किस तरह की राइटिंग चाहते हैं अपने टेक्स्ट की, वहां पे क्लिक करना है और राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। अगेन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और ये होता है साइज इंक्रीज करने का, तो साइज को बड़ा करने का। यहाँ पे आप कितना साइज में काम करना चाहते हो, 14 में, 16 में, 18 में, 20 में, आप साइज बड़ा कर सकते हैं। ये छोटा करना है तो आपको दोबारा सेलेक्ट करना है इसे और यहाँ से साइज छोटा कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन जो कैपिटल और स्मॉल ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या करता है, साइज को इंक्रीज, सेलेक्ट किया हमने पहले तो ये साइज को इंक्रीज करेगा और ये साइज को डिक्रीज करेगा, मतलब एक कम कर रहा है एक और एक ज्यादा कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ड। बोल्ड मीन्स होता है गहरा। आप कितना चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट हेडलाइन जो है बोल्ड हो जाए, गहरा डीप हो जाए, तो आपको बोल्ड पे क्लिक करना है, ये आपका बोल्ड हो जाएगा। अगेन अनबोल्ड करना है तो सिलेक्ट करना है और बोल्ड पे फिर क्लिक करना है, ये अनबोल्ड हो जाएगा। इटैलिक मीन्स तिरछा, जितना आप सिलेक्ट करेंगे अपने माउस से उतना ही तिरछा हो जाएगा। आपको तिरछा हटाना है, मीन्स इटैलिक हटाना है, तो दोबारा तिरछे पे क्लिक करेंगे, इटैलिक रिमूव हो जाएगा। अंडरलाइन, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जितना आपको अंडरलाइन करना है उतना अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन आपको रिमूव करना है तो अगेन सेलेक्ट करेंगे और अंडरलाइन पे क्यू पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन आपका रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्रिक। व्हाट डू मीन स्ट्रिक, स्ट्रिक मीन्स होता है कटा हुआ आएगा, जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना आपका टेक्स्ट कटा हुआ दिखाई देगा इस तरह। इसे आपको हटाना है तो अगेन क्लिक करना है यहाँ पे और अगेन स्ट्रिक पे क्लिक करना है, आपका स्ट्रिक रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा H2O जो आपका वाटर का फॉर्मूला है, जिसमें जो 2 होता है वो नीचे रहता है, तो हमने 2 को सेलेक्ट कर लिया यहाँ से और सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया, तो 2 क्या चला जाएगा आपका नीचे चला जाएगा। अगेन आपको 2 को वापस ऊपर लाना है तो अगेन 2 को सेलेक्ट करना है और अगेन सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना, आपका जो 2 रिमूव होके ऊपर आ जाएगा। हमने यहाँ से लिखा 12, 12th में TH कहाँ रहता है, TH जाता है ऊपर, तो यदि हमें TH को ऊपर करना है तो यहां से सेलेक्ट करना है ओनली TH, और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना। सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करते ही TH आपका ऊपर चला जाएगा। अगेन TH को नीचे लाना है तो अगेन आपको TH ही सेलेक्ट करना है और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, नीचे आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर करने का ऑप्शन है नेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट भी कह सकते हैं हम, आप टेक्स्ट को हाईलाइट करना है या फिर बैकग्राउंड को कलर करना है, तो यहाँ से बहुत सारे अलग अलग ब्लू ब्लैक कलर्स हैं, आप जो भी चाहते हैं वो ले सकते हैं। अगेन इस कलर को रिमूव करना है तो अगेन इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा और नो कलर का ऑप्शन है, नो कलर पे क्लिक करेंगे आपका कलर रिमूव हो जाएगा। अगेन हमने सेलेक्ट किया और यहाँ होता है टेक्स्ट कलर, मीन्स आप अलग अलग टेक्स्ट कलर का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ होता है मोर कलर का ऑप्शन। मोर कलर में आप यहाँ से भी कलर ले सकते हैं और डिफाइन कस्टम कलर पे जाके भी कलर यूज कर सकते हैं, जो कलर आपको लेना है यहाँ सेलेक्ट करना है और ओके कर देना, कलर आपका आ जाएगा।
हटाना है, अगेन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मीन्स हमें ब्लैक कलर का यूज करना है तो ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें सेंटर, यदि आपको टेक्स्ट को सेंटर में रखना है जहां सेंटर पे क्लिक कीजिए सेंटर में हो जाएगा, लेफ्ट में करना है लेफ्ट पे क्लिक कीजिए लेफ्ट हो जाएगा, और राइट पे चाहिए राइट पे क्लिक करेंगे राइट पे हो जाएगा। जस्टिफाई, जस्टिफाई मीन्स होता है बोथ साइड इक्वल करना है, मतलब दोनों तरफ से आपका इक्वल बराबर दिखाई देना चाहिए, तो आपको जस्टिफाई पे क्लिक करना है तो आपका दोनों साइड से इक्वल हो जाएगा। मगर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी इसमें इफेक्ट अलग अलग हैं सारे के सारे इफेक्ट आपको सिलेक्ट करने के बाद ही यूज आ रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ये स्पेसिंग का, पैराग्राफ स्पेसिंग का होता है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को और पैराग्राफ स्पेसिंग इसमें लेफ्ट राइट सेंटर फर्स्ट लाइन का ऑप्शन है। यदि मैंने लेफ्ट में एक इंच आपको आगे बढ़ाना है तो आपको वन लिखना है और ओके कर देना है, तो आपका टेक्स्ट जितना सिलेक्ट है वो पूरा का पूरा एक इंच आगे बढ़ जाएगा। अगेन आपको पीछे लाना है तो अगेन क्लिक करना है आपको पैराग्राफ पे और यहाँ जीरो कर देना है, अगेन आपका पीछे चला जाएगा। स्पेसिंग, यदि आपको लाइन में स्पेसिंग करना है तो आपको सारा टेक्स्ट जो पैराग्राफ है सेलेक्ट करना है और यहाँ से 2.1 पॉइंट कितना आपको करना है स्पेस लाइन के बीच में गैप करना है आप कर सकते हैं, और नहीं चाहिए तो नॉर्मली आप 1.0 पे काम कर। पैराग्राफ नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर, पिक्चर क्या होता है, कोई भी पिक्चर जो आपके कंप्यूटर में पहले से सेव है उसे आप ओपन कर सकते हैं, तो आपको पिक्चर पे क्लिक करना है, जो पिक्चर आपके कंप्यूटर में पहले से ही सेव है डेस्कटॉप पे या माय डॉक्यूमेंट्स में जो भी जहां भी सेव है आप क्लिक कर सकते हो उस फोल्डर पे, ओपन करेंगे जब आपको जो पिक्चर ओपन करना है उस पर क्लिक करना है और अगेन ओपन कर लेना है, आपका पिक्चर ओपन हो जाएगा। डिलीट करना है तो होम पे जाइए और यहाँ पे कट पे क्लिक करिए, पिक्चर आपका डिलीट हो जाएगा। पेंट, पेंट क्या होता है कि आपको वर्डपैड से जाके पेंट में जाना है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ड्रॉइंग होता है, उसमें से कुछ ड्राइंग बना के आपको कहाँ पे लाना है वर्डपैड पे। यदि आपने एमएस पेंट आपको नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मेरी पहली वीडियो एमएस पेंट इन हिंदी में देखिए, उसमें एमएस कैसे पेंट कैसे बनाया जाता है वो भी आप सीख सकते हैं। तो हमने पेंट पे क्लिक किया, ये आपका एमएस पेंट ओपन हो गया। हमने इस पेज को बड़ा करना है तो डबल एरो आएगा, हमने बड़ा कर लिया। हमने कोई भी डिजाइनिंग वगैरह यहाँ पे क्रिएट करना है तो हम कर सकते हैं, जैसा हमें कोई डिजाइन क्रिएट करना है स्माइल फेस बनाना है या जो भी बनाना है हम बना सकते हैं। हमने ये लोटस टेम्पल का डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं, ये हार्ट शेप बना लो या लोटस टेम्पल बनाना है तो लोटस टेम्पल बना, यदि आपको गलती होगी तो आप यहाँ भी अंडो का यूज कर सकते हैं। अगेन क्लिक किया इस पे, ये आपका लोटस का टेम्पल बन रहा है। ये गलती हो जाए तो अंडो का यूज कर सकते हैं, तो हमने लोटस का फूल बना लिया छोटा सा, ये कलर भरना है ऐसे कलर ले लिया। मेरे कहने का मतलब है कि हम अलग अलग तरह के यहाँ पे डिजाइनिंग वगैरह एमएस पेंट से बना के देन यहाँ से क्लोज कर देंगे तो ये डायरेक्ट आपका कहाँ चला जाएगा, इस वर्डपैड पे चला जाएगा। यहाँ से डिलीट करना है तो यहाँ से कट कर दीजिए, कलर कट हो जाएगा। डेट और टाइम, जहां भी आपका कर्सर होगा वहां से डेट और टाइम आ जाएगा। मैं बता दूं आपको, ये एंटर मारने से कर्सर नीचे जाएगा, बैक स्पेस दबाने से ऊपर जाएगा, और आगे के लिए आप कीबोर्ड से टैब का यूज कर सकते हैं और स्पेस बार का भी यूज कर सकते हैं। तो जहां पे आपका कर्सर होगा वहीं पे आपका डेट और टाइम आ जाएगा, थर्सडे दिसंबर 14, 2017। आपका डेट के अलग अलग फॉर्मेट आ रहे हैं, जिस फॉर्मेट में आपको पसंद है उस पर क्लिक करके ओके करना है और आपका डेट आ जाएगा। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस तरह आपने एमएस पेंट नोटपैड वर्डपैड एक्सेल वगैरह सीखा हो या फोटोशॉप आता है तो वहां से कोई डिजाइनिंग या कोई काम करके आपको वर्डपैड पे लाना है, उसके लिए आपको आना चाहिए जो आपने करा है सीखा है, देन इसका यूज कर सकते हैं। फाइंड, फाइंड होता है किसी भी शब्द को ढूंढना है तो फाइंड पे क्लिक करना है और यहाँ लिखना है जैसे कि हमें ढूंढना है कहाँ पे इज लिखा है, तो फाइंड पे क्लिक करेंगे जहां पे भी इज लिखा हुआ आपको शो करेगा। रिप्लेस, रिप्लेस मीन्स है जहां पे इज है वहां पे आर करना है, या जहां पे कंप्यूटर है उसके जगह माउस करना है, तो जहां हमने कंप्यूटर लिखा है वहां पे हमें माउस करना है, तो ऊपर हमने कंप्यूटर टाइप किया नीचे माउस टाइप करेंगे तो जहां पे आपका कंप्यूटर वहां माउस हो जाएगा, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सारे एक साथ हो जाएगा। एवरीवेयर इज माउस, हर जगह आपका माउस हो गया है, दोबारा करना है तो रिप्लेस करेंगे, ऊपर माउस लिखेंगे और नीचे कंप्यूटर लिखेंगे, रिप्लेस करेंगे तो अगेन कंप्यूटर हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल, पूरे पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम, आपका यहाँ से कट भी कर सकते हैं वापस आ जाएगा अंडो से,
और कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता है। यदि इस फाइल को सेव करना है हमें, इस स्क्रॉल बार से हम आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो सेव करने के लिए इस एरो पे क्लिक करेंगे जिसे वर्डपैड कहा जाता है, और यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डेस्कटॉप माई डॉक्यूमेंट जहां भी हमें सेव करना है, राहुल से किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और राहुल वर्डपैड हो जाएगा। ये जो इस वीडियो मैंने आपको होम बताया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक रिज्यूम बनाना और साथ में बताऊंगा कि व्यू का कैसे यूज करेंगे, और ये जो बाकी ऑप्शन है इनका भी यूज मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपकी कोई भी क्वारीज वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आया है उसकी वहीं पे कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा। देन आप यदि इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, और इसी तरह के एमएस वर्ड की, एक्सेल वर्ड, पावर पॉइंट के और वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अप टू एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।